नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पाइनियर प्लस पर। यहां पर आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की सीरीज, जिसके अंदर 22 जुलाई के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। इसके अंदर बाद में 30 मिनट्स का एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हम कोर वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे जो आपके एडिटोरियल से रिलेटेड होगी और आपके वोकैब बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। हमारे इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर अपने प्रीशियस कमेंट्स भी दे सकते हैं। रिक्वायर्ड होगा तो हम उनके रिप्लाईज भी ज़रूर करेंगे। आगे शुरुआत करते हैं। हमारे कोचिंग के द्वारा काफ़ी सारे इंटरैक्टिव कोर्सेज आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके अंदर आपके पास में SSC, CGL, CPO, SI और CHSL एग्जाम की तैयारी घर बैठकर आराम से कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्टिव प्राइस है 2000 रुपीज़ का, जिसके अंदर आपके पास में वीडियो ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज असेसमेंट होगी, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट होंगे, टेस्ट डिस्कशन होंगे, प्लस फ्री कूपन भी निकलेंगे, जिसमें अगर आपका कूपन वाउचर निकलता है तो आपकी पूरी फीस आपको पूरी वापस मिल सकती है। तो यहाँ पर हमारे को सब्सक्राइब कीजिए, सिलेबस तैयार करना है तो उसको परचेज करने के लिए गिवन नंबर पर कॉल कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज आता है, क्वेश्चन आता है हमारे पास कि अभी इंडियन रेलवे ने पहला सेट निकालना है प्राइवेट ट्रेन्स का। कौन से साल में ये पहला सेट निकलेगा? तो पहले साल में सेट निकलेगा 2023 में। 2023 के अंदर इसमें 12 ट्रेन्स का सेट निकलेगा, इसके बाद में 45 ट्रेन्स का सेट निकलेगा 24 के अंदर, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके ये फाइनल टोटल नंबर को 151 ट्रेन्स को पूरा करेंगे 2027 तक, और 30,000 करोड़ रुपए का प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगा। अगली न्यूज आती है, अभी कौन से राज्य ने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके इंस्पेक्शंस का शुरू किया है? कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है ताकि इलेक्ट्रॉनिक के पावर ग्रिड्स, ट्रांसमिशन पावर टावर्स को पूरी तरीके से नजर रखी जा सके? तो ये शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने निकाली है, जिसके अंदर 16 ड्रोन्स उड़ाए जाएंगे और 16 ड्रोन्स को उड़ाने के बाद में पूरी तरीके से चेकिंग की जाएगी, कहीं चोरी हो तो नहीं रही, कहीं पर प्रॉब्लम है, तो एक तरीके से ह्यूमन फ्री रिसर्च और मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें एक नोडल ऑफिसर लगाया जाएगा हर एक जोन के अंदर, ये नोडल ऑफिसर पूरी अपनी जिम्मेदारी पर इसको देखेगा, यदि कोई गलती होती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल जो होगा यही नोडल ऑफिसर होगा। ये पहली बार किसी राज्य सरकार ने बहुत जबरदस्त तरीके से ड्रोन्स का यूज किया है, ये कल ही की न्यूज थी जो डिस्कस की गई थी। अगला पॉइंट आता है कि अभी तमिलनाडु सरकार ने 10,399 करोड़ रुपए का MOU साइन किया। तो सबसे पहला पॉइंट है कितने MOU साइन किए गए हैं? आपके पास 8, 9, 10, 11, 12 ये इस तरीके की सीरीज है, जिसमें 8 साइन किए हैं, जिसमें से 13,507 लोगों को वैकेंसी मिलने की उम्मीद है डायरेक्ट सेक्टर के अंदर, और इनडायरेक्ट वैकेंसी से जुड़ने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी हाल ही में एक जोरम मेगा फूड पार्क की स्टार्टअप शुरुआत की गई है, हर्षमित कौर बादल के द्वारा ई इनोग्रेशन किया गया है। कौन से राज्य के अंदर शुरुआत की गई है? तो आपके पास ऑप्शन है मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड के बाद मणिपुर और असम। हालांकि नागालैंड से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन है? एक तरीके से डिस्प्यूटेड एरिया, यानी कि एक ऐसा एरिया जो हमेशा क्या है लड़ाई के अंदर चलता रहता है, तो एक नागालैंड का बहुत ज़बरदस्त इतिहास भी उसे जानने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर मिजोरम वो स्टेट है, मिजोरम ऐप निकाला गया है, जिसके अंदर 5,000 लोगों को वैकेंसी मिलेगा, प्लस इस पार्क के अंदर बहुत सारे ऐसे वेयर हाउसेज लगाए जाएंगे जहाँ पर किसान अपनी फसल को आसानी से रख सकता है, और कोल्ड फूड चेन भी लगाई जाएगी ताकि फसलों को पकाकर बेचने में आसानी हो सके। अगला पॉइंट आता है हमारे पास, ट्रांसजेंडर मधु बाबू पेंशन योजना जुलाई 2020 में पास हुई है। कौन सी स्टेट में पास हुई है? तो आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, बिहार, पंजाब, उड़ीसा। तो हमारे पास आंसर है उड़ीसा। ये जो ऐप, ये योजना है, ये बेसिकली डिसएबिलिटी, यानी कि जिनके अंदर स्पेशल कोई डिसएबिलिटी है, तो उन डिसएबिलिटी के आधार पर मधु बाबू पेंशन योजना चलाई गई है, जिसमें से 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक की सपोर्ट पेंशन के आधार पर की जाएगी। ये पहले 4 महीने तो कोविड-19 की परिस्थिति में की जा रही थी, अब फर्दर इसको और ज़्यादा आगे चलाया जाएगा।
अगली न्यूज आती है नवीन रोजगार छत्री योजना शेड्यूल क्लास के लिए कौन से राज्य के द्वारा चलाई गई है, तो ये यूपी सरकार ने चलाया है। माइग्रेंट वर्कर्स की परिस्थितियों को देखते हुए यूपी सरकार ने इस सेक्शन को काफी सपोर्ट करने का प्रयास किया है। अगली न्यूज आती है MD और CEO SBI कार्ड के कौन बने हैं, जो कि अभी हाल ही में 1 अगस्त से पूरी की पूरी अपॉइंटमेंट लेंगे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन जिसमें सही ऑप्शन है आपके पास अश्विन कुमार तिवारी जी को इसलिए CEO बनाया जा रहा है क्योंकि इनसे पहले जो ऑफिसर थे, जो कि आपके ऑफिसर थे, इन्होंने क्या किया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिए, तो अब इनको 2 साल के लिए एक्सटेंडेड पोस्ट मिल गया है। अगला पॉइंट आता है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने G20 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नर्स के साथ मिलकर काम किया, बातचीत करी, देश को रिप्रेजेंट किया। तो कौन से देश के अंदर इन्होंने होस्ट की मीटिंग कौन से देश के अंदर होस्ट हुई, तो आंसर हमारे पास आता है सऊदी अरेबिया के अंदर अभी ये मीटिंग को होस्ट किया गया है। और देश की जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं COVID-19 से निकालने के लिए और उनसे रास्ते बनाने के लिए, उन सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अगली न्यूज़ आती है अभी कि इंडिया को रैंकिंग मिली है ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के आधार पर। तो इंडिया का क्या रैंकिंग है यहाँ पर, ये रैंकिंग है और इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर आई है 15वीं रैंकिंग डायरेक्ट सेलिंग के आधार पर। वैसे और अलग अलग सेलिंग्स की अगर सेक्शन की देखी जाए तो रैंकिंग्स फ्लक्चुएट होती है, कहीं पर सेलिंग की जगह आपकी अलग पॉइंट्स में आएंगी ना, तो उसमें हमेशा ये फिक्स नहीं रहेगा। ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सेक्शन है जिसमें 15वीं रिपोर्ट आई है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर पहली रैंकिंग जो आपके पास, बाकी रैंकिंग्स की बात करें तो यहाँ पर दूसरी तीसरी रैंकिंग सारी की सारी रैंकिंग्स लिखी हुई है, चाइना पहले पर, दूसरे पर साउथ कोरिया, फिर जर्मनी, इन सभी रैंकिंग्स को डिस्क्राइब किया गया है। अगला पॉइंट आता है यहां पर, ये रैंकिंग है जो हम डिस्क्राइब कर रहे थे। अगला पॉइंट आता है वेस्ट एशियन और अरेबियन नेशन ने एक लॉन्च किया है होप मिशन सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर, जिसके अंदर जापान के द्वारा यहां पर फ्लाइट, एक सैटेलाइट को भेजा गया है, 200 मिलियन का एक्सपेंस किया गया है। इसके अंदर इनके खुद के देश में कोई रिसर्च नहीं है, कोई रिसर्च सेंटर नहीं है, कोई इससे रिलेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ इन्होंने शुरू किया है UAE में अपना नाम कमाने के लिए, रिस्पॉन्स दिखाने के लिए कि हाँ हम वेदर को, क्लाइमेट को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इनके खुद के एफर्ट्स हैं जीरो, सिर्फ और सिर्फ जापान की सपोर्ट से भेजा गया। इससे पहले भी इन्होंने चाइना की और नासा की मदद से अपने फ्लाइट्स को, अपने रॉकेट्स को भेजा हुआ है अलग अलग ग्रहों पर, जैसे कि चंद्रमा पर भेजा या किसी प्रकार से आगे कोई काम करना है, तो इनके खुद का कोई रिसर्च सेंटर नहीं है। अगला पॉइंट आता है CSIR, कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो CSI को इंट्रोड्यूस करते हैं कोविड प्रोटेक्शन के आधार पर वर्क प्लेस के लिए। तो हमारे पास आंसर आता है CMIR रिसर्च, कौन सा है इसकी फुल फॉर्म जो आती है, क्या आती है, सेंट्रल मिनिस्ट्रल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर ये पहला ऑप्शन हमारा सही बनता है। ये जो इंस्टीट्यूशन है इसके अंदर हमारे पास दुर्गापुरी इंट्रोड्यूस करता है, दुर्गापुरी सेक्शन में इंट्रोड्यूस किया गया कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम, एक कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी जहाँ पर ये फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी। अगला टॉपिक आता है हमारे पास में ऐसे ही हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, अभी फॉर्मूला रेस जीते हैं, रेस जीतने के अंदर लुइस हैमिल्टन पर्सन है जिन्होंने फॉर्मूला 20 का रेस जीता है ग्रैंड प्रिक्स के अंदर। इसकी पहले भी कई बार ये एक तरीके से इन रेसेस के अंदर आगे जीत चुके हैं, ये कारों की रेस होती है जिसमें ये 8 बार अपना नाम कमा चुके हैं। अगला पॉइंट आता है सूरज कदेनी मर्दा, ये उद्धम सिंह जी के लिए लिखी गई एक किताब थी, उद्धम सिंह जी के लिए लिखी गई किताब किसने लिखी है, यहाँ पर ये बाकी नाम है, तो ऑप्शन में हमारे पास आएगा बलदेव सिंह सदाकनामा, इनकी एक प्रोफेशन से टीचर हैं और उद्धम सिंह फ्रीडम फाइटर पर इन्होंने किताब लिखी है, जिस पर इनके पब्लिकेशन जो होगा वो यूनिस्टार बुक्स के द्वारा किया जाएगा। अब इसके अगला क्वेश्चन आता है तंगम्स एक ऐसी आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक आदि ट्राइब है जो गायब होता जा रहा है, एक्सटिंक्ट लेवल पर पहुंच चुका है। तो एक्सटिंक्ट लेवल पर जो तंगम ग्रुप है पहुंच चुका है, तो इनके लिए वहां के CM ने किताब लिखी है, वहां के CM ने प्रॉपरली किताब लिखी है जिसके अंदर इस कम्युनिटी के बचाने के लिए और इस कम्युनिटी को और कैसे आगे एनहेंस करना है एजुकेशन के द्वारा किसी भी प्रकार से, तो उन सभी चीज़ों को बताया गया है। आखिरी न्यूज़, आखिरी क्वेश्चन जो बनता है हमारा बनता है CS शेषाद्री जो अभी पास अवे हो गए हैं, रेनॉन्ड क्या थे, मैथमेटिशियन थे,
स्कूल टीचर मैथमेटिशियन थे, हिस्टोरियन थे, इंग्लिश स्कॉलर थे, वीरोलॉजिस्ट थे या फिजिशियन थे, तो वो एक बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे जो 88 साल की उम्र में मर गए तमिलनाडु चेन्नई के अंदर। फाउंडर थे ये चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन के, जहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया और बहुत ज़्यादा नाम कमाया। इसके बाद अगला हमारे पास टॉपिक शुरू होते हैं करंट अफेयर की न्यूज़, जो कि 22 जुलाई की है, 21 जुलाई को जितनी भी घटनाएं हुई उन सभी के लिए। तो यहाँ पर इस बार मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी एक लिस्ट जनरेट कर दी है, जो विद्यार्थी यहाँ पर लगता है कि सर हमें एक ही बार में देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस होंगे, तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड अगली क्लास में मैं आपके सामने काफ़ी सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आप स्क्रीन पोज करके इन्हें पढ़ सकते हैं, इन्हें धीरे धीरे देख सकते हैं, जो आपके काम की खबर होगी आप इसे देख लीजिएगा। अब कई बच्चे कहते हैं सर इतनी सारी न्यूज़ क्यों? देखिए आपके एग्जाम की कोई लिमिट नहीं है, करंट अफेयर सेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो इनका बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। हम जो करंट अफेयर डिस्कस करते हैं ये कंप्लीट डिस्कशन होता है, ताकि आप किसी भी एग्जाम में अगर राइटिंग के पोर्शन को भी पिक करते हैं तो आसानी से इससे संबंधित सारी डिटेल्स को लिख सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है भारत का नक्शा, सॉरी भारत का नहीं विश्व का नक्शा है, जो कि दो हिस्सों में बंटता जा रहा है। दो हिस्से कौन कौन से हैं? सबसे पहला ये जो लाइनें खींचता जा रहा हूँ इन्हें देखते जाइएगा। सबसे पहला हिस्सा आता है रशिया, जो कि पूरी तरीके से चीन की सपोर्ट करेगा। चीन की सपोर्ट के बाद साउथ कोरिया, ये भी चीन की सपोर्ट, नॉर्थ कोरिया चीन की सपोर्ट करेगा। म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे के सारे वो देश हैं जो किसकी, चाइना की सपोर्ट में है। फिर आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान भी धीरे धीरे दूर हो चुका है भारत से, तो ये वो देश हैं जो पूरी तरीके से क्या है, चाइना की सपोर्ट में है, चाइना की सपोर्ट में है। इधर से ये तुर्की जो है ये भी धीरे धीरे चाइना की सपोर्ट में आ रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरा एशिया, ये वाला जो कॉन्टिनेंट सेक्शन है, ये जो सेक्शन है पूरा का पूरा इस समय में किसकी सपोर्ट में है, चाइना की सपोर्ट में। भारत की सपोर्ट में अब छोटे छोटे कंट्रीज के अंदर एक जापान बचता है, फिलीपींस बचता है, ताइवान बचता है, ताइवान के अलावा इंडोनेशिया भी अभी भारत की थोड़ी सी सपोर्ट में है, मलेशिया भी भारत की सपोर्ट में आने का प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रयास कर रहा है अभी है ये चाइना की ही पक्ष के। ऑस्ट्रेलिया भारत का सपोर्ट कर रहा है, भारत के पक्ष में है सारे के सारे वो मजबूत कंट्री, पावरफुल कंट्रीज जो किसी भी समय में चाइना को या इन सभी कंट्रीज को दबा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो जाएगी, जिसके अंदर सभी देश रेडी हो चुके हैं कि हमारी लड़ाई कभी भी हो सकती है। तो सभी देशों ने अपने वेपन्स को, आर्म्स को और तेज कर दिया है बनाने के लिए। इसी प्रकार से भारत ने भी क्या किया, एक ड्रिल किया, ड्रिल यानी कि ये तीसरी बार ड्रिल की जा रही है इंडोनेशिया, मलाबार जो आपके मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, और साउथ चाइना सी की तरफ। अभी स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्या है, अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का समझने के लिए आपको इधर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला सेक्शन क्या है, सबसे पहला सेक्शन यहाँ पर, सबसे पहला सेक्शन इधर देखिएगा, सबसे पहला सेक्शन ये देखिएगा कि चीन को अपना सामान बेचने के लिए यहाँ से घूमकर आना पड़ता है, चीन को अपना सामान बेचने के लिए घूमकर आना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका अमेरिका के पानी के जहाज वॉरशिप्स हैं यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं, जहाँ पर इंडिया और अमेरिका के 8-8 शिप्स वॉरशिप्स हैं, जिस पर सभी प्रकार के हथियार हैं। सभी प्रकार के हथियारों के बाद डिफेंस के लिए एयरफोर्स की सपोर्ट है यहाँ पर, और सारे वो वॉरशिप्स हैं जो यहीं पर से उड़ान भरेंगे और पूरी तरीके से इंडियन ओशियन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इनडायरेक्टली ये चाइना को थ्रेट है, ये समझ लीजिए इनडायरेक्टली ये चाइना को थ्रेट है, जहाँ पर अमेरिका और इंडिया दोनों मिलकर के इस एक्सरसाइज को जिम्मेदारी दे रहे हैं। वैसे भी यूएस के बड़े बड़े शिप्स जो हैं यहीं पर तैनात रहेंगे, जो पूरी तरीके से जापान की सपोर्ट में रहेंगे, फिलीपींस की सपोर्ट में रहेंगे, और चाइना की जो एनेक्स करने की सिस्टम है, एनेक्स करने का मतलब घुसपैठ करने की सिस्टम है, और जो अपनी पावर को बढ़ाने का तरीका है उस पर पूरी तरीके से नजर रखेंगे। और कभी भी लड़ाई हो सकती है, अगर अमेरिका के जहाज इतनी दूर से उड़कर आए हैं तो ये समझ लीजिएगा वॉर कैन हैपन एनी टाइम। बस फर्क इतना है कि चीन इस समय में पूरी तरीके से शांत बैठा है, दब चुका है, और किसी भी क्षेत्र को, किसी भी एरिया को अब वो क्लेम करना बंद कर चुका है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि भाई लड़ाई हुई तो बहुत भारी भरकम होगी। और इस बार जो उसको भारत था, जो पहले शांत बैठने वाला कंट्री था, अब वो शांत नहीं बैठेगा और पूरी तरीके से गर्दनें तोड़ी जाएंगी। तो ये यहाँ पर दोनों देशों ने मिलकर ड्रिल की है। इससे पहले जापान के साथ मिलकर ड्रिल की गई थी और फ्रांस की नेवी ने भी सपोर्ट कर दिया। इसमें कैनेडा और फ्रांस के साथ साथ और भी कई कंट्रीज जैसे कि आने की पूरी तैयारी में है। इसके अंदर आने वाले टाइम पीरियड में ऑस्ट्रेलिया भी पूरी सपोर्ट करेगा।
यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और करेंसी है डॉलर। इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है जिसमें जापान की नेवी ने भी अभी सपोर्ट किया था, क्योंकि वहाँ का सेनकाकू आइलैंड जो है, सेनकाकू आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, सेनकाकू आइलैंड जो है इस पर भी जापान ने क्या था क्लेम करने की कोशिश की थी। वो बात अलग है कि इंडिया और जापान ने दोनों ने मिलकर उसको शांत करा दिया और वो इस तरफ बढ़ भी नहीं रहा है, लेकिन कभी भी बढ़ सकता है उसकी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। अगली न्यूज़ आती है हमारे पास ऐसे ही कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है BEML के साथ उनके बैटल टैंक्स पर एक इक्विपमेंट लगाना। उस इक्विपमेंट का नाम बोला गया माइन ब्लो। उस इक्विपमेंट का नाम बोला गया माइन ब्लो। ये माइन ब्लो क्या है कि जहाज़ों के फ्रंट पर एक इस तरीके का जमीनों को खोदने वाला सिस्टम लग जाएगा। इस सिस्टम के अंदर क्या होगा, जैसे कि बुलडोजर्स के आगे होता है ना मट्टी खोदने के लिए, ऐसा ही एक माइन ब्लो इनके सामने लगा दिया जाएगा। इस माइन ब्लो का बेनिफिट क्या होगा, सपोज कीजिए ये टैंक चल रहा है और यहाँ पर कोई माइन यानी बम दबा रखा है, टैंक जैसे ही इसके ऊपर आएगा टैंक ब्लास्ट हो जाएगा। टैंक क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। अब टैंक अगर ब्लास्ट हो जाता है तो इंसानों की जान का नुकसान, माल का नुकसान, एक टैंक कितना महंगा पड़ता है वो सभी जानते होंगे। तो वो जो माइन ब्लो है, जो एक तरीके से बुलडोजर का हिस्सा, वो जमीन को इस तरीके से ना खोदता हुआ चलेगा, जिससे क्या होगा कि जैसे जैसे टैंक आगे चलता जाएगा, सपोज किसी ने यहाँ पे माइंस बिछा रखे हैं तो वो उसको खोद कर पहले ही अलग कर देगा, पहले ही क्या कर देगा, अलग कर देगा। और अलग करने के बाद जब तक टैंक का दबाव नहीं पड़ेगा वो माइंस ब्लास्ट नहीं होंगी, तो इससे क्या होगा, नुकसान नहीं होगा और जीवन भी बचेगा और सामान भी बचाया जा सकता है, जान और माल दोनों बचाई जा सकती हैं, तो इससे ये एक बेनिफिट हो जाएगा। तो ये जो टैंक्स हैं T90 टैंक्स पर ये माइन ब्लो लगाया जाएगा, इसमें 1512 माइन ब्लोज लगाए जाएंगे जिसमें 557 करोड़ का खर्चा आएगा। इसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा पास कर दिया गया है और कुछ ही समय में ये मैकेनिज्म जो है टैंक्स के अंदर लगाए जाएंगे और कुछ समय बाद इसकी जो है टेस्टिंग अप्लाई हो जाएगी। इसके अंदर जो है कैजुअल्टीज बहुत कम होंगे। देखो टैंक से टैंक की लड़ाई होती है, उधर से गोला चला, इधर से गोला चला, समझ में आता है कि टैंक ब्लास्ट होंगे, लेकिन जिन क्षेत्रों में बिना गोलीबारी के आतंकवादी भी माइंस बिछा देते हैं तो वहां पर भी खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा आवश्यक बन जाता है। अगली न्यूज इसी में आती है हमारी, क्या कि जो हमारे पास भारत अर्थ मूवर लिमिटेड है, इनके साथ यहां पर डॉक्टर डी के कोटा जो कि यहाँ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हेड ऑफिस जो है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस के मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, स्टेट मिनिस्टर हैं श्रीपद येसो नायक। इससे रिलेटेड भारत ने कुछ समय पहले ही LNT के साथ भी काफ़ी समझौता किया और भारत के अंदर ही क्या बनाने हैं, अपने बहुत सारे हथियार आर्टिलरीज बनानी है और आने वाले टाइम पीरियड में 2027 तक ही भारत को 70 बिलियन की मार्केट बना देना है। किस चीज़ के लिए, वेपन्स के लिए। अभी जो वेपन्स हमें दूसरे देशों से खरीदने पड़ रहे हैं, आने वाले टाइम पीरियड में वही वेपन्स हम अपने देश में बना पाएंगे, तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था को एक बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीकों से 156 अपग्रेडेड टैंक्स बनाने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें 1094 करोड़ का खर्चा आएगा। अगली न्यूज हमारे पास आती है, भारत के अंदर एक बार फिर से पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है। चंडीगढ़ के अंदर ये पहला इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग प्लांट लग चुका है, अब इंडिया में दिल्ली में राजधानी में इसे लगाया जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं उनकी कैपेसिटी होती है चलने की 300 किलोमीटर की। 300 किलोमीटर के बाद क्या होता है कि उन कार्स की बैटरी डाउन हो जाती है। अब बैटरी डाउन हो जाती है, लेकिन जो लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं, जो अदर स्टेट्स में घूमना फिरना पसंद करते हैं, जिन्हें लॉन्ग ड्राइव पसंद है, तो उनके लिए कार्स जो हैं एक तरीके से फेलियर है। फेलियर क्यों है, क्योंकि ये गाड़ियाँ चल नहीं पाएंगी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर 300 किलोमीटर की चार्जिंग फिर से कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पावर मिनिस्टर RK सिंह ने लॉन्च किया पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा नई दिल्ली के अंदर, एक तरीके से एक ऐसा इनिशिएटिव जिससे पॉल्यूशन कम होगा, बाकी व्हीकल्स की तरह अलग अलग प्रॉब्लम्स कम होगी, रिपेयरिंग का कॉस्ट कम पड़ेगा और हसल फ्री ड्राइव मिलेगी। पूरे देश के अंदर पॉल्यूशन कम होगा, जो कि वर्ल्ड में एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, तो यहाँ पे इसकी इनोग्रेशन हुई। इनोग्रेशन के बाद में यहाँ पर इसे फाइनली चलाया गया। इसमें 10 पॉइंट्स बनाए जाएंगे। इन 10 पॉइंट्स के अंदर 5 सेक्शंस होंगे जो बड़े बड़े अलग अलग वोल्ट्स की चार्जिंग देंगे। 10 पॉइंट्स में 5 अलग अलग सेक्शंस होंगे जो क्या देंगे,
चार्जिंग्स अलॉट करेंगे। इस चार्जिंग अलोशन के अंदर 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा एक कार को चार्ज होने में, और 20 मिनट्स में जो कार चार्ज हो जाएगी तो अगले 300 किलोमीटर वो फिर से जा सकती है, अगले 300 किलोमीटर जा सकती है। यानी यहाँ से चार्जिंग एक बार फुल कर ली, फुल करने के बाद चंडीगढ़ में पहुंचे तो चंडीगढ़ से चार्जिंग कर ली, तो आना जाना आपका ईजी हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा। इसके बेनिफिट के अंदर जो ये जॉइंट वेंचर है PSU के द्वारा पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग के आधार पर इसको चलाया गया है। एक तरीके से हेल्थ और एनर्जी दोनों को बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन बन चुका है। इसके अंदर आने वाले टाइम पीरियड में सोलर एनर्जी का भी प्रयोग करके बैटरी पॉइंट्स को चार्ज करने की भी सुविधा अप्लाई की जाएगी, ताकि उनकी जो एनर्जी सोर्स है वो बैटरीज की सोलर एनर्जी से चार्ज होती रहे और वही चार्जिंग जो है धीरे धीरे कारों को चार्ज करने में इस्तेमाल आए। तो ये नो लॉस वाला बिजनेस होगा जो कि आगे फ्लोरिश होने के बहुत सारे आसार हैं। अगर बात करते हैं EESL यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के चेयरमैन की, तो राजीव शर्मा है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, MD इसके सौरभ कुमार है। अगर बात करते हैं न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन की, तो धर्मेंद्र हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बात करते हैं तो राजकुमार, कंस्टिट्यूएंसी आरा बिहार, सेक्रेटरी जो हैं संजीव नंदन सहाय हैं। जबकि USAID की बात करते हैं तो वॉशिंगटन DC यहां पर इनकी कैपिटल हेडक्वार्टर है, एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर जॉन बारसा हैं, और यहां पर एक्टिंग मिशन डायरेक्टर जो हैं वो है रमोना एल हमजोई। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है आज की, क्या कि भाई भारत सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1986 में बनाया था, कोपरा एक्ट कहते हैं इसको, कोपरा एक्ट। कोपरा का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो लाए हैं, 1986 वाले कोपरा एक्ट को बदल कर इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए। इन बदलावों के आधार पर अब जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चलने वाली कंपनियाँ हैं, यानी कि फ्लिपकार्ट, अमेजन या जितनी भी कंपनियां हैं जो इस प्रकार के अपने साजो सामान को बेचती और खरीदती हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सख्ती करने के प्रयास किए गए हैं, जिससे आम कस्टमर को किसी भी प्रकार का धोखा ना हो, किसी भी प्रकार की चीटिंग ना फेस करनी पड़े। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि जो व्यक्ति चीटेड महसूस करता है कि उसके साथ धोखा हुआ है या कोई भी इस प्रकार की एक्टिविटी हुई है जिसके अंदर उसका जान का माल का नुकसान हुआ है, जान माल के नुकसान के अलावा काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ फेस करने को मिल रही है, या फिर कोई बीमारी लग गई है या टूटा हुआ कोई भी प्रॉब्लम XYZ हो गया है, तो इनको सपोर्ट दी जाएगी। किसके द्वारा इनको सपोर्ट दी जाएगी, प्रॉपर सरकार के द्वारा सपोर्ट दी जाएगी। ये उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन करने के बाद में सजा का प्रावधान भी है, पेनल्टी भी है, डिपेंड करेगा कि क्या पनिशमेंट है। जैसे कि सबसे पहली है 6 महीने की सजा अगर डिफेक्टेड मटीरियल दे रहे हो और उससे कोई इंजरी नहीं होती है, अगर इंजरी होती है तो 1,00,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक का जुर्माना और 7 साल तक की सज़ा, और मौत हो जाती है तो उसमें जो सेलर है और या मैन्युफैक्चरर है उसको 10,00,000 रुपये तक का जुर्माना और 7 साल की सज़ा हो सकती है। तो ये 7 साल से लाइफ इंप्रिजनमेंट तक का सेक्शन पहुंच सकता है, डिपेंड करता है कि क्या ग्रेविटी है। इसको शुरू करने के लिए रामविलास पासवान ने राज्यसभा में इसे पहले प्रेजेंट किया, प्रेजेंट करने के बाद में 3 से 10 दिन के अंदर अंदर से परमिशन मिली, और जुलाई के बाद अगस्त में राष्ट्रपति ने इस पर दस्तखत कर दिए। राष्ट्रपति ने जब इस पर दस्तखत किए तो ये फोर्स में आ गया। इसका अब फोर्स में आने के बाद ये क्या एम्पावर करेगा, इस हाईलाइट सेक्शन को थोड़ा सा पढ़ देते हैं ताकि काम आए। गलत किसी भी प्रकार की एडवर्टीजमेंट अगर किसी आदमी को धोखा देने के लिए करते हैं तो वो भी एक क्राइम है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या क्राइम करते हैं, बहुत सारे लोग जैसे कि बहुत सिंपल थी, रेडबुल गिव्स यू विंग। अब इसका मतलब यह है कि सपोज कीजिए इस वीडियो या एड को देख करके कोई व्यक्ति सही में समझने लग जाए कि रेडबुल पीने से विंग्स आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक एडवर्टीजमेंट है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। ऐसी बहुत सारी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आती है, जैसे कि आप ये पाउडर खाइए 10 दिन में सेहत बन जाएगा, ये खाइए 10 दिन में ये हो जाएगा। तो ऐसी जो टेली शॉपिंग की जो एड्स हैं उनको देखकर जो लोग मिसगाइडेड हो जाते हैं उनके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड किया है, और उन पर गलत एडवर्टीजमेंट्स के लिए, गलत प्रैक्टिसेस के लिए, अनफेयर ट्रेड के लिए रोक लगाई है। इसके अंदर सबसे अच्छी फैसिलिटी क्या होगी कि आप अप्लाई करेंगे कोर्ट में, आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा। प्लस आपके केस जीतने के बाद में तेजी से आपको ज़्यादा समय नहीं का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 5 से 10 दिन के अंदर अंदर
5 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अंदर 48 घंटों की आप गारंटी प्राप्त करते हैं। अगर आपके पास कंप्लेंट है, ऑथेंटिक है, तो आप फाइल कर सकते हैं और सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। ये केसेस जो होंगे स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल पर किए जा सकते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल, ब्लॉक लेवल पर किए जा सकते हैं। 9 अगस्त को रामनाथ कोविंद जी ने इस पर दस्तखत किए और इसे फाइनली एक लॉ बना दिया। 9 अगस्त को फाइनली साइन करके इसे लॉ बना दिया और अब ये इंप्लीमेंट के अंदर आ चुका है। अगली न्यूज इसी प्रकार से आती है आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा 21 जुलाई यानी कल, जो कि एक HRD मिनिस्टर है, इन्होंने मनोदर्पण इनिशिएटिव लिया है। मनोदर्पण इनिशिएटिव इस तरीके से लिया है जिसके अंदर साइकोलॉजिकल और सोशल वेज के द्वारा सहायता प्रोवाइड की जाएगी। किसको? स्टूडेंट्स को, टीचर को और पेरेंट्स को। स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स को सहायता प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनका मानसिक स्थान बढ़े, मानसिक ताकत बढ़े, उसके बाद उनकी वेलबींग बढ़े, इमोशनली स्ट्रांग हो और जीवन में आगे कुछ कार्य करके दिखाने की उनमें क्षमता जनरेट हो। जैसे कि लॉकडाउन की परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि काफ़ी सारे विद्यार्थी जो हैं एक तरीके से हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि उनके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो उनके लिए बाकायदा एक गवर्नमेंट ऐप जनरेट की गई है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, एजुकेशन सेक्टर में सुधार आए। इसके लिए वेब पेज है, टोल फ्री नंबर है जो कि ये रहा, 8 से रात को 8 तक ये चलेगा। इसमें काउंसलर्स होंगे सभी प्रकार की सपोर्ट करने के लिए। इसमें हैंडबुक होगी साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए जिसे आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर मूवीज, स्टोरीज, पोस्टर, अलग अलग चीज़ें इन यहाँ पर चैट प्लेटफॉर्म में दिए जाएंगे। इसके यूनियन मिनिस्टर जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट संजय धोत्रे। अगली न्यूज़ आती है, MOU साइन किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा MSME के लिए। MSME के सपोर्ट में यहाँ पर क्या किया गया, एक MOU साइन किया गया, मेमोरेंडम ऑफ जो है, क्या नाम है, मेमोरेंडम ऑफ डी का मतलब, MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम साइन किया गया है आपसी रजामंदी के लिए। MOU का मतलब अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है जिसके अंदर क्या होगा कि अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये MSME से सारी की सारी छोटी कंपनियों का, बड़ी कंपनियों का डेटा प्राप्त कर सकते हैं। इस डेटा प्राप्त करके उसकी एक कैटेगरी बना सकते हैं। कैटेगरी बनाने के बाद पता लगाया जा सकता है कि कोई कंपनी ऐसी तो नहीं है जो डेटा को चोरी कर रही हो, फर्जी डेटा दिखा रही हो या अपनी असली डिटेल्स को इनकम टैक्स से हाइड कर रही हो। इससे क्या होगा कि अगर उन्हें कोई भी चीज़ प्राप्त करनी होगी तो कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए अगर अपनी डिटेल नहीं देंगे तो कंपनी से बेनिफिट नहीं मिलेगा और टैक्स छुपाने की कोई भी प्रयास जो होंगे उनके वो सारे प्रयास फेल हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि कंपनीज को मजबूरी में अपना पूरा टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। इसके बाद में कोई भी कंपनी यहाँ पर अगर रह जाती है तो उसको सपोर्ट भी किया जाएगा। इसके लिए जो है CBDT और MSME के द्वारा यहाँ पर एक नोडल ऑफिसर को, यानी कि ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा जिसकी सपोर्ट में कुछ जूनियर ऑफिसर्स भी होंगे। ये सारे मिलकर क्या करेंगे, नज़र रखेंगे और नज़र रखने के बाद पूरा का पूरा डेटा और चिट्ठा निकालेंगे। इससे क्या होगा कि सरकारी क्षेत्रों के अंदर या गवर्नमेंट को पूरा का पूरा टैक्स समय पर प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और आगे इससे फर्दर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर MSME के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। वैसे कि 5 करोड़ से तक होगा तो माइक्रो है, 50 करोड़ तक होगा तो स्मॉल है और उससे ज़्यादा होगा तो आपकी मीडियम लेवल की फंडिंग या कंपनी मानी जाएगी। इसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन अब इन कंपनीज को जेन्युइनली शो करनी पड़ेगी। ये सारी की सारी डिटेल अगर कोई सोचता है कि किसी भी सरकार को अधिकार नहीं है दूसरी कंपनी से आपका डेटा प्राप्त करने का, तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 138 की इनकम टैक्स एक्ट जो है टैक्स अथॉरिटी को ताकत देता है जो इस प्रकार की सभी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकती हैं। और प्राप्त कर सकती हैं तो जाहिर सी बात है बचने के लिए नहीं, ईमानदारी के लिए अब लोगों को रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो हैं यहाँ पर प्रताप चंद्र सारंगी हैं। चेयरपर्सन जो है प्रमोद चंद्र मोदी हैं और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। अगली न्यूज़ आती है आपके पास में, यूनिसेफ की सपोर्ट से यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स पार्टनर ने मिलकर क्या किया है, 1 करोड़ यूथ वॉलंटियर्स को गोल्स अचीव प्राप्त कराना है। किस चीज़ के द्वारा, आत्मनिर्भर भारत के द्वारा। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर एंड स्पोर्ट्स जो है MYAS साइन करता है यूनिसेफ के साथ क्या, एक MOU। MOU का मतलब फिर से वही चीज़ आ गई, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे। जैसे एक बनाया गया युवा,
युवा क्या है, मोबिलाइज करेगा 1 करोड़ वॉलंटियर्स को जो कि अचीव करना चाहते हैं अपने गोल्स को आत्मनिर्भर भारत के द्वारा। इसके अंदर क्या होगा, उषा शर्मा जो सेक्रेटरी है और डॉक्टर यास्मिन अली हक जो कि यूनिसेफ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो रिप्रेजेंट होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट किरण रिजिजू की अगुवाही के अंदर होगा। इसका मेन एम क्या होगा, मेन एम होगा सपोर्ट करना यूथ को उनकी एजुकेशन के लिए, प्रोडक्टिव स्किल्स के लिए, काम के लिए। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि भारत में अभी जो एजुकेशन प्रोवाइड होती है वो एजुकेशन जो है एकेडमिक एजुकेशन है, जिसे कोई भी जॉब्स नहीं मिलती, कोई जॉब नहीं मिलती, कोई आगे बेनिफिट देखने को नहीं मिलते, कोई आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, जिससे क्या होता है इतनी सारी पढ़ाई करने के बावजूद आपको दोबारा से पूरा का पूरा कोई ना कोई ट्रेनिंग या स्किल सेक्शन सीखना पड़ता है। तो अब इस ऐप के द्वारा जो लोग अपने छोटे मोटे व्यापार को बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं, टेक्निकल नॉलेज रखना चाहते हैं या आगे उसी को फ्लोरिश करना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति के अंदर क्या किया जाएगा, उस परिस्थिति के अंदर यहाँ पर इसमें आत्मनिर्भर भारत बनाने में उनको नोटिस किया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा, एजुकेशन की सेक्शन में उनकी जो बेसिकली व्यूज है उनको स्वीकार किया जाएगा। ये जो है कैपेसिटी को बिल्ड करेगा नेशनल सर्विस स्कीम की और नेहरू युवा केंद्र संगठन की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के काम हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बने, सामाजिक उत्थान हो, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिले, राज्य के अंदर नौकरियों के अंदर युवक जो हों पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे। MES की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट किरण रिजिजू जो है इसके मेन कर्ता धरता है इंडिपेंडेंट चार्ज के आधार पर, और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड की बात करते हैं तो इसके एग्जीक्यूटिव जो है हेनरिटा होल्समैन फूर है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। यूनिसेफ के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, डॉक्टर यास्मिन अली हक। अगली न्यूज इसी प्रकार से आती है, राज्यसभा ने लॉन्च किया एक एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम अरुण जेटली के नाम से। अभी अरुण जेटली के नाम से क्या स्कीम लॉन्च की गई, बहुत सिंपल सी स्कीम है भाई। क्या बात है कि उनकी जो बीवी है जिनका नाम है संगीता जेटली, इन्होंने अरुण जेटली की जो मंथली इनकम थी, मंथली सैलरी उनकी जो पेंशन आती थी उनकी डेथ के बाद, वो आती थी लगभग 3 लाख रुपए। अब वो चाहती हैं कि इसको ग्रुप सी के उत्थान के लिए, यानी कि उन लोगों के उत्थान के लिए काम किया जाए जो बेसिकली नहीं बढ़ पा रहे हैं या किसी वजह से पिछड़ रहे हैं, जिनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो अच्छी इंजीनियरिंग, मेडिसिन, MCA, MBA इन लेवल्स के अंदर आगे बढ़ सकें, इन लेवल्स में खुद को आगे बढ़ा सकें। इसकी जो शुरुआत की गई राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं दीपक वर्मा के द्वारा इसे अप्रूवल मिला है। इसके अंदर राज्यसभा के सेक्रेटरिएट भी थे जिन्होंने इसको फाइनली इफेक्ट में लाना डिसीजन लिया है। ये भारत में पहली बार हुआ है जब किसी भी लेडी ने या जब किसी भी महिला ने अपनी जो पति की पेंशन है वो राज्य या देश के उत्थान के लिए लगाने का प्रयास किया है। याद रखिएगा इस पैसे से स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे जो इंजीनियरिंग, मेडिसिन और MCA, MBA, LLB की प्रोफेशनल एजुकेशन में सपोर्ट करेंगे। यही पैसा डेथ और मेडिकल इमरजेंसीज में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके जो चेयरमैन है एम वेंकैया नायडू हैं और सेक्रेटरी जनरल देश दीपक वर्मा है। अगली न्यूज़ आती है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से, जिन्होंने डिसीजन लिया है एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाने के लिए, ताकि अलग अलग कंपनीज को बाकी फर्दर जो है इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट किया जा सके। अभी सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, एक एक कंपनी को दूसरी कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी प्रोग्राम कंपनी स्टार्ट करनी, कुछ भी शुरू करना है, तो प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आता है कि उस कंपनी को 10 जगहों पर जाकर पहले परमिशन लेना पड़ता है, 10 जगहों से परमिशन लेना पड़ेगा। 10 जगहों से जब परमिशन ली जाएगी, 10 जगहों से क्या ली जाएगी, परमिशन ली जाएगी, उसके बाद में जाकर कहीं पर वो प्रोग्राम स्टार्ट होता है। यही एक कारण था जिस वजह से भारत के अंदर इलोन मस्क की जो आपकी कंपनी थी, इलोन मस्क की कौन सी, टेस्ला कंपनी, भारत में अपना बहुत बड़ा प्लांट लगाना चाहती थी जिसमें 15,000 से ज़्यादा लोगों को वैकेंसी मिलती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम नहीं था। अब सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब समझना क्या है, अब एक ही जगह गए, आपने अपना फॉर्म दिया, डॉक्यूमेंटेशन दिया, बाकी सरकार सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी, वेरीफाई करेगी, पास करा के आपको देगी। इसमें आपको अलग अलग 10 जगहों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जब अलग अलग 10 जगहों पर जाने की आवश्यकता है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है ना, आपको एक ही जगह पे सारे सुविधाएं मिल जाएंगी, तो इससे क्या होगा कि टेंशन खत्म हो जाएंगी, सब कुछ उन्हें एक ही जगह तैयार मिलेगा। तो इससे क्या होगा,
क्लियरेंस सेल बन जाएगी, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, डाउट्स होंगी, क्वेश्चन क्वेरीज होंगी, वो सारी की सारी आपकी एक ही सिंगल विंडो चैनल पर कंप्लीट हो जाएंगी। इसके अंदर एक मेंबर्स की टीम बना दी गई है आईसीसी के द्वारा, ताकि जैसे इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल की एक टीम बना दी गई है जिसके अंदर ये सारे के सारे मिनिस्टर सिविल एविएशन के और बाकी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी से लेके सभी सेक्शंस होंगे, ताकि सबसे पहली बार आज के दिन जो सबसे बड़ी कंपनी फेस कर रही है या जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस की जा रही है वो क्या है, काम शुरू करना चाहते हैं लोग लेकिन सरकार के उल्टे सीधे नियम जो पड़ रहे थे उनसे लोग बच रहे थे, डर रहे थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि आगे काम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए मैं तो कहता हूँ हर चीज़ के अंदर एक सिंगल विंडो सिस्टम हो जाना चाहिए। सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी तो एक ही विंडो होना चाहिए, जाइए ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, बात खत्म हो गई। ऐसे ही अगर आपके पास एजुकेशन के अलावा एमएसएमई की कोई प्रॉब्लम है तो एक विंडो, एमएसएमई के अलावा और कोई आपका अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित कोई दिक्कत है तो रोजगार का एक सेक्शन बन जाए, तो इसमें क्या होगा, लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट एक बन जाए तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत उन चीज़ों की परमिशन मिल जाएगी, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगा तो आप उसी से कन्फर्म कर लेंगे, भटकना नहीं पड़ेगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं कौन है, हरदीप सिंह पुरी हैं, और इनसे रिलेटेड अभी फिलहाल कुछ समय पहले ही गरुड़ा नाम की एक फास्ट ट्रैक अप्रूवल की स्कीम चलाई गई थी, जो कि आप इसे स्टडी कर सकते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में यहाँ पे कोविड 19 के एडवर्स इम्पैक्ट को देखते हुए यहाँ पे कार्गोज चलाए गए थे, मेडिकल कार्गोज 6 दिन के लिए दूसरे देशों से अपने लोगों को वापस लाने के लिए। ऐसे ही अगली न्यूज़ आती है, सरकार ने अब प्रकाश जावड़ेकर जी की सरकार ने गवर्नमेंट अप्रूव करती है जोनल मास्टर प्लान। ये जोनल मास्टर प्लान पहले है क्या इसे समझते हैं, फिर आगे आपको पढ़ाया जाएगा। ये जोनल मास्टर प्लान एक सरकार के द्वारा प्रिपेयर किया जाने वाला एक ऐसा सिस्टम है जिसमें उत्तराखंड से लेकर के आपको अप्रेज किया जाएगा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसे चलाया जाएगा जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति शामिल होंगे। ये जो जोनल मास्टर प्लान है ये बेस करता है पानी से संबंधित सभी चीज़ों को, जंगलों से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को, गवर्नेंस से लेकर वाइल्ड लाइफ, वाटरशेड मैनेजमेंट, इरिगेशन, एनर्जी, टूरिज्म, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ों को वेल इक्विप्ड करना है, प्रॉपरली प्लान्ड तरीके से इनको प्रिपेयर करना है, पूरी तरीके से इनको बनाना है। इससे बेनिफिट क्या होगा, टूरिज्म अट्रैक्ट होगा, कंपनीज भारत में आने के लिए डिसीजन लेंगी, इकोलॉजी जो होगी वो बचेगी, पॉल्यूशन कम होगा, वाटर से संबंधित जो फैसिलिटीज है उनसे किसानों को बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। तो इससे क्या होगा कि आपका चौतरफा विकास होने के आसार है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के मिनिस्ट्री को जोड़ा गया है जिसके अंदर इस जोनल मास्टर प्लान के अंदर 4,189 कह सकते हैं इसको, 4,189 आप देख लीजिएगा स्क्वायर किलोमीटर को कवर किया गया है, जहां पर गोमुख से उत्तरकाशी तक का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होंगे, जिसमें जोनल मास्टर प्लान होगा और जोनल मास्टर प्लान को 16 जुलाई से एग्जीक्यूट रिप्रेजेंट किया गया और फर्दर इसे जल्द ही अप्लाई कर दिया जाएगा। इससे आगे अगली न्यूज़ आती है, सेम ऐसे ही बायलिट्रल डेटा एक्सचेंज की फिर से बात हो रही है, किसके द्वारा, आपके डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा, सीबीडीटी के द्वारा, यानी कि आपके जो सारे के सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनका सारा का सारा डेटा जो होगा सरकार के पास होगा। इससे सिंपल सी चीज़ ये है कि सरकार पूरी तरीके से बैठी हुई है कि आपका पैसा आपको प्रोवाइड करेगी, लेकिन किस तरीके से करेगी वो सरकार के हाथ में होगा। डेटा शेयरिंग इस समय सबसे ज़्यादा हो रही है और हिडन जो लोग हैं, किसी भी हमारे भारत की बात करते हैं तो मात्र भारत में डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो 19% लोग ही डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं ईमानदारी से, बाकी लोगों की मजबूरी हो जाती है कि वो पेट्रोल से, शराब से या बाकी चीज़ों की सहूलियत लेकर अपने टैक्सेस को पे करते हैं। अगर उन्हें इन चीज़ों की प्रॉब्लम्स ना हो, अगर इन चीज़ों की आवश्यकताएं ना हो तो भारत सरकार के पास पैसा पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से भारत सरकार अब क्या कर रही है, डेटा कलेक्ट कर रही है और सभी लोगों के जो हिडन प्रोफाइल्स हैं उनको जानने का प्रयास कर रही है, ताकि कैलकुलेट करके बताया जा सके कि आपका क्या टैक्स जनरेट होता है और आपको कहाँ पर किस फील्ड में मेहनत करना है और कहाँ पर क्या करना है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तैयारी हो रही है। इसके यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं, हेडक्वार्टर जो सीबीडीटी का है न्यू दिल्ली के अंदर है, चेयरपर्सन प्रमोद चंद्र मोदी हैं, और अगर सीबीआईसी की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, चेयरमैन एम अजीत कुमार हैं। अगली न्यूज़ इसी प्रकार से आती है, भारत के अंदर विश्व के अंदर एक और नई प्रजाति का मिलना
तय हुआ है, जिसकी जो ऊंचाई या लंबाई 50 सेंटीमीटर है, नॉर्मल कॉकरोच की तरह दिखता है, लेकिन लंबाई ऊंचाई की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। 14 पैर वाला ये आइसोपोड है, जिसकी नाम रखा गया है बाथिनोमस गिगांटियस, जो दिखने में थोड़ा थोड़ा आपको क्रैब्स की, लॉबस्टर की, अलग अलग चीज़ों की एक फीचर्स लेकर आया हुआ। ऊपर से देखेंगे तो ये लॉबस्टर वाली चीज़ें हैं, नीचे पैरों को देखेंगे तो ये आपको कॉकरोच वाली फैलिंग देगा। तो इस प्रकार से इसकी जो अलग अलग तरीके से इसे बोला गया है, एक तरीके से सुपर जायंट सी कॉकरोच जो पाया गया है। हालांकि नॉर्मली जो इस प्रकार के कॉकरोचेस पाए जाते थे वो 33 सेंटीमीटर के होते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 14 पैर का जो मिला है वो 50 सेंटीमीटर का इंडोनेशिया के समुद्र के अंदर पाया गया है। इस पर जो पूरी की पूरी रिसर्च टीम है लगी हुई है मेहनत करने के लिए और जानने के लिए कि इस प्रकार की और भी कोई फिशेज हैं या नहीं। हालांकि कुछ ही समय पहले और भी बहुत सारी फिशेज पाई गई, जैसे क्रैब्स की एक प्रजाति पाई गई, जेलीफिश, इन सभी की एक एक प्रजाति पाई गई है। कहाँ पर? सिंगापुर के अंदर इसकी अभी रिसर्च चल रही है। तो सिंगापुर के बारे में जानते हैं, करंसी सिंगापुर डॉलर है, SGD से जाना जाएगा। प्रेसिडेंट जो है हलीमा याकूब हैं और रिसेंटली ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बने हुए। तो सिंगापुर के अंदर से जैसे माइग्रेंट वर्कर्स को भगाने का प्रयास किया जा रहा था, तो उनसे संबंधित सारी की सारी न्यूज़ यहाँ पर डिस्कस हुई थी। अगला पॉइंट आता है, T20 को, वर्ल्ड कप को पोस्टपोन किया जा रहा है COVID-19 की परिस्थिति के आधार को देखते हुए। हालात ख़राब हैं तो इनको रीशेड्यूलिंग किया जाएगा और फर्दर जो रीशेड्यूलिंग होगा वो शिफ्ट हो रहा है अक्टूबर नवंबर 2023 के लिए। इस बार ये वर्ल्ड कप नहीं होगा क्योंकि भारी मात्रा में लोग जुड़ेंगे, लोग जुड़ने के बाद में बीमारियां फैलने के आसार हो सकते थे, तो इसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अब जो पॉइंट है, अगर ICC की बात करते हैं तो CEO जो है, एग्जीक्यूटिव जो है इसके मनु साहनी हैं, इसके बाद चेयरमैन इमरान ख्वाजा, मोटो जो है क्रिकेट फॉर गुड है, हेडक्वार्टर दुबई UAE के अंदर है और T20 20 ओवर का मैच होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि भारत के अंदर क्रिकेट का जो जुनून है वो सर चढ़कर बोलता है और इतना ज़्यादा जुनून है कि बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहले बैट उठाता है इंडिया के अंदर, जितने क्लेयर्स बनते हैं वो भारत के अंदर वैसे भी, और भारत की टीम का परचम तो पूरे विश्व के अंदर है ही, टॉप 5 टीम्स के अंदर भारत का नाम सबसे काफ़ी अच्छे लेवल पर लिया जाता है, ये आप सभी को पता है। चलिए अगली न्यूज़ इसी पॉइंट पर शुरुआत करते हैं। अगली न्यूज़ आती है पुडुचेरी, पहले ये पौंडीचेरी पढ़ा जाता था, अब इसको नाम बदल कर पुडुचेरी कर दिया गया है। पुडुचेरी के जो चीफ मिनिस्टर है वी नारायण स्वामी, इन्होंने प्रेजेंट किया 9,000 करोड़ का टैक्स फ्री बजट प्रेजेंट करने के लिए। इन्होंने क्यों प्रेजेंट किया वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले जो बात आती है बजट की, तो पिछले साल के बजट से 575 करोड़ का ज़्यादा इस बार का आउटले है, यानी कि इस बार ज़्यादा इन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की आमतौर पर परमिशन की आवश्यकता होती है, लेकिन इस बार किरण बेदी ने ऑब्जेक्शन उठाए थे, लेकिन फाइनली उनके ऑब्जेक्शन के बावजूद यहाँ पर इसको प्रेजेंट किया गया। इसके अंदर 59% जो बजट है वो स्टेट रिसोर्सेज के आधार पर होगा, 22% जो होगा वो सेंट्रल असिस्टेंट के आधार पर होगा यानी केंद्र सरकार के आधार पर होगा, और बचा हुआ 19% का जो सेक्शन है अलग अलग प्रकार की जो अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे कि नाबार्ड हो गया, नाबार्ड के अलावा फाइनेंशियल सेक्टर हो गए, बैंक्स हो गए, इन सभी से बोरोइंग के आधार पर चलेगा। मेजर एक्सपेंशन जो होगा वो क्या है, मेजर एक्सपेंशन जो होगा वो सैलरीज के अंदर होगा, पेंशन के अंदर होगा, रीपेमेंट ऑफ लोन्स के अंदर होगा, इंटरेस्ट रेट और पावर परचेज, इन सभी के अंदर इस पैसे को इस तरीके से खर्च किया जाएगा। एक सेक्शन इसका जो है वो ओल्ड एज पेंशन में भी लगाया जाएगा। हालांकि इसकी कीमतें लिखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, कोई आपसे एग्जैक्टली ये नहीं पूछेगा कि कितने रुपए खर्च किए गए, सिर्फ एक सेक्शन समझ लीजिए परसेंटेज के आधार पर कि बैंक लोन, फ्री ब्रेकफास्ट सिस्टम, ये सभी चीज़ों में कितना खर्च होगा। पुडुचेरी की कैपिटल पौंडीचेरी, पुडुचेरी अबाउट की बात करते हैं तो पौंडीचेरी इसकी कैपिटल है। अब रिसेंटली रिलेटेड न्यूज़ जो है यहाँ पर क्या है, रिलेटेड न्यूज़ है कि चीफ मिनिस्टर फाइनेंशियल मिनिस्टर नितिन पटेल प्रेजेंट करते हैं 2,17,287 करोड़ का बजट पिछले 2020 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। गुजरात से रिलेटेड सेम ऐसी ही न्यूज़ है, आंध्र प्रदेश में भी COVID-19 के आधार पर 2.24 लाख करोड़ का फाइनेंशियल बजट किया गया है, तो लगभग सेम सी न्यूज़ आ रही है। साउथ कोरिया ने अपना एक आर्मी का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, आर्मी के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया ताकि कम्युनिकेशन सेक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सके। कहीं भी लड़ाई होती है ना,
कहीं भी लड़ाई होती है तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स को, कम्युनिकेशन सेक्शंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। तो आर्मी ने क्या किया, उसका प्रॉपरली एक सैटेलाइट प्रिपेयर करके आसमान में भेज दिया ताकि और अच्छी नज़र बनाई जा सके। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, ये दोनों का बहुत गंदा इतिहास रहा, एक बहुत लंबे अरसे की लड़ाई रही है जिसके अंदर नॉर्थ कोरिया को चाइना की तरफ से और रशिया की तरफ से सपोर्ट मिला, जबकि साउथ कोरिया को अमेरिका की तरफ से सपोर्ट मिला। साउथ नॉर्थ कोरिया में हमेशा तानाशाही रही है जबकि साउथ कोरिया में हमेशा आपकी लोकतंत्र चली है। आज के दिन टॉप 10 कंट्रीज के अंदर डेवलपमेंट में रिचनेस के अंदर साउथ कोरिया का नाम आता है जबकि नॉर्थ कोरिया का नीचे से तीसरे नंबर पर नाम आता है जिसके अंदर भुखमरी के अलावा बहुत सारी समस्याएँ चल रही हैं। आज भी नॉर्थ कोरिया एक सनकी तानाशाह किम जोन के नाम से मशहूर है जो कभी भी किसी भी प्रकार से लड़ाई की आगाज को शुरू कर सकता है, उस पर भरोसा किया नहीं जा सकता। तो फाइनली साउथ कोरिया ने अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी है। नॉर्थ कोरिया के साथ जब लड़ाई हुई थी साउथ कोरिया की, तो बहुत बुरी तरीके से दबाव में आने के बाद हार सी मान गए थे क्योंकि इन्होंने कभी भी वॉर को इस तरीके से प्लान ही नहीं किया था। उनको लगता ही नहीं था कि वॉर होगी क्योंकि उन्हें लगता था अमेरिका सपोर्ट करेगा, लेकिन अमेरिका से सपोर्ट मिला नहीं और प्रॉब्लम्स आने लग गई। प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला, वो बात अलग है, 4 से 5 दिन बाद या 2-3 लगभग 1 महीने बाद सपोर्ट मिला, लेकिन वो उस लड़ाई के अंदर तब तक काफी ज्यादा नुकसान पा चुके थे। कैपिटल सियोल है और करेंसी जो है साउथ कोरियन वॉन है। वन स्टॉप शॉप स्कीम राजस्थान सरकार के द्वारा, अभी गहलोत सरकार जो कि अभी सत्ते में थी, काफ़ी ज़्यादा सचिन पायलट के जाने के बाद टेंशन में थी और बहुत गंदी राजनीति खेली गई जिसका भांडा जो था अलग अपोजिशन पार्टीज पर फोड़ने का प्रयास किया गया, बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन फाइनली अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास किया गया था। खैर लीव विथ, ये तो हमेशा चलता ही रहेगा, लेकिन राजस्थान सरकार ने अप्रूवल दिया वन स्टॉप शॉप स्कीम को, एक सिंगल विंडो सिस्टम को, जिससे कि फर्दर कंपनीज को राजस्थान के अंदर क्या किया जा सके, बुलाया जा सके, फर्दर कंपनीज को राजस्थान में बुलाया जा सके। तो एज पर द स्कीम एंटरप्रेन्योर्स जो 10 करोड़ से ज्यादा बेसिकली क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, अब एबल होंगे 98 टाइप्स की जो क्लियरेंस स्कीम्स हैं वो एक ही स्कीम सिस्टम, एक ही विंडो से मिल जाएगी। 98 टाइप्स की जो परमिशन है उन्हें एक ही विंडो से मिल जाएगी, उन्हें अलग अलग जगह पर जाकर भटकना नहीं पड़ेगा। अशोक गहलोत सरकार के द्वारा एक बहुत बढ़िया स्कीम चलाई गई है, इसमें जो 14 मेजर डिपार्टमेंट्स रखे गए हैं वो कौन कौन से, जैसे पॉल्यूशन का बोर्ड हो गया, अर्बन बोर्ड हो गया, इसके बाद इंडस्ट्री, एनर्जी, लेबर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पब्लिक वर्क, हेल्थ राजस्थान, स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इसके बाद टूरिज्म, रेवेन्यू, पब्लिक वर्क, लीकर सेक्शन, ये सारे के सारे सेक्शन से रिलेट कोई भी अब किसी भी प्रकार की फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट होगी, परमिशन लेनी होगी, काम चलाना होगा, तो अब इन्हें अलग अलग जगह पर भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पर सारी के सारी परमिशन मिल जाएंगी। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को अब हर एक राज्य जो है बहुत तेजी से संभाल रहा है ताकि इन्वेस्टमेंट को तेज करके किसी भी तरीके से अपने राज्य को उठाना और आगे आने वाले टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि भाई वोट भी लेना है, काम करेंगे तो ही वोट मिलेगा, ये चीज़ याद रखने लायक है। तो अब आ जाता है मोटिवेट करना है इन्वेस्टर को, जैसे कि हम बता चुके हैं कैपिटल जयपुर और गवर्नर जो हैं कालराज मिश्रा है। अभी अशोक गहलोत के बारे में हम आपको बता चुके हैं, इन्होंने कुछ ही समय पहले राजकौशल पोर्टल स्टार्ट किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। सेम इसी प्रकार में इन्होंने भी एक टेट्राटाइट एग्रीमेंट किया है जिसके अंदर पावर ग्रिड को स्टार्ट किया, 100 स्कूलों को सुविधाएं प्रदान होंगी इससे बिजली की और स्मार्ट क्लासेस की। अगली न्यूज़ हमारे पास फाइनली यहीं पर समाप्त होती हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।